लोग, मेरा नाम है विषय और मैं हूँ शहजाद। और आपकी भरपूर फरमाइश पर आपने इतनी ज्यादा क्वारीज दी, क्वेश्चंस किए और आपने हमें इस तरह से एक्साइटेड किया ताकि हम आपके लिए एक शो लेके आए। तो इसलिए हम आपके लिए ला रहे हैं अपना एक नया शो जिसका फर्स्ट एपिसोड आप एज अ फैमिली, एज अ कपल इस्तांबुल में मूव होना चाह रहे हैं। तो कौन से चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुद यहाँ पर काफ़ी टाइम हुआ है, तो हमारी जितनी भी चैलेंजेस थे या फिर हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनसे आप क्या सीख सकेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ मिलकर हम इस्तांबुल को, टर्की को एक्सप्लोर करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम दोनों कराची पाकिस्तान से हैं और मैंने मास्टर्स वहाँ पे की और उसके साथ साथ मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब की थी और उसके साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया और उसके बाद हमने प्लान किया यहाँ मूव होने का इस्तांबुल टर्की में। तो जी बिल्कुल शहजाद, एज यू रिमेम्बर लाइक मार्च 2019 में मैं इस्तांबुल आई और इस्तांबुल आने का मेन पर्पस था मेरी PhD एजुकेशन। लेकिन उससे पहले मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, लाइक आई वाज वर्किंग विद पाकिस्तान US अलमनाई नेटवर्क, आई वर्कड इन US एम्बेसी पाकिस्तान और एज अ यूथ ग्रुप डायरेक्टर मैंने वहाँ पर सर्व किया फॉर 4 ईयर्स। और उस दौरान मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ का भी विजिट किया, आई विजिटेड US, यूरोप एंड मोर देन 10 अदर कंट्रीज़। लेकिन जब इस्तांबुल की अपॉर्चुनिटी मिली फॉर माई PhD, फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई करियर, तो मैंने इस्तांबुल को प्रेफर किया बिकॉज मैं यहाँ पर अपना एक अच्छा फ्यूचर, अपना एक करियर देखती हूँ, क्योंकि इस्तांबुल का माहौल और जो हम देखते हैं मुझे बहुत पसंद आया और इस हिसाब से आई डिसाइडेड टू मूव इन इस्तांबुल इन 2019। और उसके बाद अब तुम बताओ, लाइक आफ्टर 2019 वी वर एंगेज्ड एट दैट टाइम और सडनली इन 2020 वी गॉट मैरिड। तो तुम क्या सोच के लाइक यू गॉट मैरिड विथ मी और तुम्हारे क्या प्लान्स थे? वो प्लान हमारा इस तरह से था कि जाहिर मुझे मूव करना था इस्तांबुल टर्की, तो हमने फेब में 2020 में शादी की और उसके बाद हम यहाँ मूव हो गए इस्तांबुल टर्की में। और उसके साथ साथ हम जैसे यहाँ पे आए तो हमारी मीन्स नई शादी हुई थी और एक हनीमून पीरियड था और हम बहुत एक्साइटेड थे। और हम एक्साइटमेंट उस दिन क्या हुआ कि उस दिन स्नो भी हो रही थी यहाँ पे और उसके साथ साथ हम इंजॉय भी कर रहे थे। और उसके बाद हम जैसे अपने जो हमने घर लिया था यहाँ पे जो, और उस घर में जैसे मूव हुए तो हमें एक बड़ा सरप्राइज मिला कि वहाँ पे सारे, we were literally in shock. Yes. It was not surprise, we were in shock. तो वहाँ पे जो थी सारी जो यूटिलिटी जो बंद थी, जैसे कि गैस भी नहीं था, पानी भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, तो उससे क्या हुआ फिर हम जो है वो होटल में शिफ्ट हो गए, तुम्हें याद होगा। Yes. और उसके बाद फिर हम 3 दिन वहीं होटल में थे और हमने सारी जो थी वो चीजें एक्टिव कराई। पाकिस्तानी समझते हैं या मोस्ट ऑफ फॉरेनर्स ये समझते हैं कि इस्तांबुल में अपॉर्चुनिटीज हैं, हम जाएंगे जाते ही लाइफ सेट हो जाएगी। तो हमारी आप लोगों को ये सजेशन है कि अगर आप इस्तांबुल में रहना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो टर्किश लैंग्वेज लाजमी सीखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर करियर। तो जो यहाँ पर लीगल जॉब्स हैं जो आपका फ्यूचर सेट कर सकती हैं, जो आपका करियर बना सकती हैं, उनके लिए आपको ये लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, आफ्टर दिस लाइक आफ्टर पेंडेमिक और इस सारी सिचुएशन के बाद जब सिचुएशन इस्तांबुल में नॉर्मल होने लगी तो हमने सिटी सेंटर की तरफ हमने अपना घर शिफ्ट किया, बिल्कुल हम मूव हुए और हमारी जो फर्स्ट ईद थी बकरा ईद वो हमने यहाँ पर सेलिब्रेट की थी, जिस लोकेशन पर हम आज खड़े हैं आया सोफिया के साथ, ब्लू मॉस्क के साथ हमने यहाँ पर ईद भी सेलिब्रेट की थी। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस्तांबुल फॉर फैमिलीज कितना अच्छा है, क्यों शहजाद? डू यू एग्री विद मी? इस्तांबुल मींस जो है इस फैमिलीज के लिए, अगर कल्चर के हिसाब से देखें यहाँ पे यूरोपियन कल्चर भी है और इसके साथ साथ रिलीजियस कल्चर भी है, जैसे हम यहाँ पे ईद भी सेलिब्रेट करते हैं और क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। और आप हमें देखें लाइक वी आर वेयरिंग पाकिस्तानी क्लोथ्स, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर, तो यहाँ पर बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, आप इजीली अपने कल्चर में भी रह सकते हैं। सो उन सारी लग्जरीज को हमने एंजॉय किया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ईद डेज होते हैं या जो इनकी दूसरी नेशनल हॉलीडेज होती हैं, और यहाँ पर फेयर्स कितने फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, लाइक इनके नेशनल हॉलीडेज होते हैं और उसके साथ साथ अगर ईद होती है, क्रिसमस होती है, तो उन दिनों में
यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनके फेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में और इन सारी चीजों में. वेल लेट्स कम बैक टू अवर लाइव्स, हमारे अपने एक्सपीरियंस जो हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा गया. इस सारी सिचुएशन में हमें एक और चैलेंज आया जिसको डॉक्यूमेंटेशन थी, प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन का, और उस वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जैसे इकामत हो गया यहाँ पे उसके लिए वो हमें करनी थी, तो सारा प्रोसेस हमने खुद किया था. जैसे यहाँ पे हमने इंश्योरेंस अपनी खुद करवाई, पाकिस्तानी काउंसलिंग में जितनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर थी वहाँ से खुद हमने वो सारे बनवाए, और इसके साथ साथ जो नोटराइजेशन थी वो भी तुम्हें पता है कि वो भी सारी हमने खुद करवाई थी डॉक्यूमेंटेशन, और ना हमें किसी दूसरे पर्सन की नीड हुई या ना किसी की, तो सारी वो डॉक्यूमेंटेशन हमने खुद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवाए, और फिर हमें एक महीने के बाद केमलेक भी इजीली वो मिल गया था. लाइक हम लोग इस्तांबुल में न्यू थे और ये सारा प्रोसेस ये सारा काम हमारे लिए न्यू था, लेकिन फिर भी हम उस सारी चीज में सक्सेसफुल हुए. और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों की ये क्वारीज आती हैं कि हम रेजिडेंस परमिट जिसे इकामत कहा जाता है इस्तांबुल में वो कैसे बनवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें, पाकिस्तान कौंसलेट से डॉक्यूमेंट्स कैसे निकलवाएं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ है, बहुत इजी, आप खुद अपने से कर सकते हैं बजाय कि आप किसी और एजेंट या लोगों से रابطہ करें. क्योंकि शहजाद देखो फ्रॉड बहुत होते हैं यहाँ पर, हमने खुद देखा है, काफ़ी फैमिलीज देखी हैं जिनको लोग लूट लेते हैं. इसमें ये है कि आप रिलायबल रिसोर्सेज यूज़ करें, उसके साथ साथ रिलायबल कंपनीज से कॉन्टेक्ट करें. जैसे महविश ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं फ्रॉड करते हैं और आपसे काफ़ी जो है डॉलर्स में पेमेंट मांगते हैं और एकदम से वो गायब हो जाते हैं. हाँ बिल्कुल, और इस्तांबुल में इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, लाइक फ्रॉड बहुत है, और आपकी अपनी ज़बान के लोग आपके अपनी कंट्री के लोग आपसे फ्रॉड कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. तो और यही वजह थी इस हमारे जो शो का आगाज़ करना था कि हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रस्टवर्दी एक अच्छा रिलायबल रिसोर्स दें ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें, बिकॉज वी आर आल्सो फैमिली, हमने ये सारी चीज़ें फेस की हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया से या फिर और भी जितने एशियन कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो लोग आते हैं वो ट्रस्ट कर सकें यहाँ पर किसी पर और अपनी जो है फैमिली को सेटल करें. और हमारी ये सजेशन है आपके लिए कि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी जो लीगल स्टेटस है लीगल चीज़ें हैं उनको आप बेहतर से बेहतर बनाएं, लाइक इलीगल चीज़ों से दूर रहें, फ्रॉड से दूर रहें, और हो सके तो अपना एक छोटा सा घर यहाँ पर ले लें. क्योंकि शहजाद जैसे आजकल है कि यहाँ पर इकामत जो है वो रिन्यू होना बहुत बड़ा मसला हो गया है, एक साल के बाद परमिट आपका रिन्यू नहीं हो सकता, तो उसमें जो है अगर आपकी छोटी सी भी अपनी प्रॉपर्टी होगी तो आपके लिए यहाँ पर रहना इजी हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन सकता है. और यहाँ की टर्की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उन्होंने तो सिटीजनशिप की भी अपॉर्चुनिटी दी, आई थिंक ढाई लाख के अगर आप सिटीजनशिप आपको लेनी है यहाँ पे उसकी तो अमाउंट गवर्नमेंट फिक्स की है $2.5 लाख $250,000, उससे आप सिटीजनशिप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं 3 से 4 महीने के दौरान और कंप्लीट फैमिली, और इसमें आपकी कंप्लीट फैमिली वो अपर से अवेल हो सकती है. तो ये सारी चीजें जो आप लीगली और एक अच्छे वे में इस्तांबुल में कर सकते हैं, अपना फ्यूचर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और यहाँ की जितनी भी लग्जरीज हैं हेल्थ फैसिलिटीज एजुकेशन उनसे आप फायदा उठा सकते हैं. तो हमारा खुद अपना ये मकसद रहेगा, ये वीडियोस बनाने का मकसद ये रहेगा कि हम आपको जितनी मालूमात हो सके वो फराहम करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ और भी ज़्यादा मालूमात फराहम करेंगे, आपके साथ इस्तांबुल एक्सप्लोर करेंगे जैसा कि मैंने कहा था. और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं कोई भी सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं, या फिर आप हमसे जिन टॉपिक्स पर वीडियोस बनवाना चाह रहे हैं जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम बात करें तो प्लीज़ वो हमें कमेंट्स में लिखें. और शहजाद हमारा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी आने वाला है इस शो से रिलेटेड. बिल्कुल बिल्कुल, वो हम आपके साथ जो है वो नेक्स्ट अपनी वीडियोस में शेयर करेंगे जी, उसमें लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस हैं और आपके लिए प्राइजेस भी हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी हमारी वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें.